अभी हम इस विंडो एसी का जेट पंप सर्विस करेंगे। वैसे इस एसी को एक साल कुछ ही दिन हुआ है, ठीक है, वारंटी से बाहर हुए 2-4 दिन ही हुआ है इसको, ठीक है। और ये एसी जो है पूरे रूम को हिला के रख देता है, इतना कूलिंग करता है कि भैया बोल रहे हैं जब वारंटी में था ना तो सर्विस के लिए बुलाए थे, ऐसे सर्विस करके गया ना मूड खराब हो गया साला, उससे बढ़िया सर्विस तो हम कर लेते हैं। देखिए फ्री वाला सर्विस फ्री है जैसा रहता है ना, कोनो क्रम का नहीं। पीछे से देखिए बच्चा सब जो है हाथ मार मार करके कॉइल को जो है डैमेज कर दिया कहीं कहीं पर, देख रहे हैं कॉइल का इतना फिंस डैमेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो चलेगा बढ़िया से। इससे ज्यादा होगा तो भैया दिक्कत करेगा, फिर हीट बाहर नहीं हो पाएगा तो फिर वही है कि बार बार ट्रिप करेगा मशीन। इनके अंदर लाइन दे दी, एक बार चालू करके चेक कर लेंगे। तो डिस्प्ले देखिए इनका ऑफ लिख के आ रहा है, रिमोट जो इनका इस टाइप का है जैसे लग रहा है कि मोबाइल है। कूलिंग करने में तो माहिर है ये एसी, देख रहे हैं हवा का हाहाट कैसा है। चेक तो कर लिए, चलिए खोल खाल के बाहर निकालते और इसका गर्दा छोड़ा पड़ता है। अब इसमें गंदगी देखिए आगे से कितना है। वैसे हम इसका पीसीबी खोल के हटा देते हैं, मन लगा के बढ़िया से पानी मारेंगे, पीसीबी में पानी जाने का डर ही नहीं रहेगा। पीसीबी में से कौन सा तार कहाँ से निकालें सबको चिन्हित कर लिए ताकि फिर से दोबारा हमको लगाने में दिक्कत नहीं आएगा। चलिए इनको तो निकाल दिए बाहर। आगे से ही लोड ही लगा देते हैं, ठीक है, पानी सब जो लुढ़क के चल जाएगा पीछे। एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए इस मोटर को इस पॉलीथीन से जो है ढक देते हैं ताकि पानी नहीं जाए, ना तो छुआना का मुर्गी या नुआना का मसाला लगने में समय नहीं लगेगा। इस मग में जो ना सर्फ गोड़ करके लाए हैं, आगे से देख रहे हैं कि कॉइल में जंग टाइप का लगा हुआ है, इसी पर दे देंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत जंग छूट जाए। अब लाए हैं मग में शैम्पू गोड़ करके, तो शैम्पू पानी से जो है ना ब्रश से रगड़ रगड़ के जो है साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए भैया हम अपने अंदाज में अपने तरीके से बढ़िया तरीका से बेहतरीन तरीका से साफ करने का प्रयास किए, और किए भी सारा गंदगी जो बाहर निकाल करके अब ये खड़ा करके रख दिया। थोड़ा सा पानी गड़ जाएगा, जो भी इसके अंदर पानी है सूख जाएगा पानी, कहीं भी कोई गंदगी नज़र नहीं आ रहा है। सब कुछ एकदम बढ़िया तरीका से पैक को करके इसको 10 मिनट से चला रखे हैं। कूलिंग तो जबरदस्त का करिए रहा है, पीछे इनका पानी भी निकलना शुरू हो गया है, ठीक है। ये देखिए